हाँ देखिए क्या करना है यहाँ पर, दो क्वेश्चन है हमारे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और ग्रुप डी में आ रखे हैं ये, ठीक। तो व्हाइल वर्किंग 7 आवर अ डे ए अलोन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 डेज, ठीक है, एंड बी अलोन इन 8 डेज, इन व्हाट टाइम वुड दे कंप्लीट इट टुगेदर 8 आवर अ डे, ठीक है, 8 आवर, 8 आवर अ डे का मतलब ये है कि भाई 8 घंटे एक दिन में कर रहा है वो काम, ठीक है, 8 घंटे एक दिन में कर रहा है काम, ठीक। अब देखिए जरा यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल सा लॉजिक है, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, इजी है, आराम से कर सकते हैं आप। देखिए ए व्हाइल वर्किंग 7 आवर अ डे, एक दिन में कितने घंटे कर रहा है, ठीक, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, और बीबी, अभी 8 दिन, अच्छा ठीक है, मतलब 7 घंटे काम हो रहा है एक दिन में, तो ये 6 घंटे कर, 6 दिन कर रहे हैं और ये 8 दिन कर रहे हैं। अभी आवर को छोड़ देते हैं, आवर को बाद में देखेंगे। जैसे पहले तो क्या करते थे, पहले हम मानते थे कि भाई पूरे मतलब जो भी है डे आवर होता नहीं था, नॉर्मल वर्किंग डे 12 घंटे 8 घंटे जो भी होता है ड्यूटी, उसके अकॉर्डिंग हम ले लेते थे कि भाई इतने दिन में कंप्लीट कर रहा है वो, चाहे वो पूरे दिन काम करवाए चाहे वो 8 घंटे करवाए, उसे पूरा दिन मान लेते थे वो, ठीक है भाई 12 8 घंटे की ड्यूटी होगी बाकी रेस्ट का टाइम हो गया, ठीक है। तो ये हो गया ए 6 और बी 8, एलसीएम लो कितना आएगा है 24, 12 से नहीं 8 नहीं होगा, 6 6 24 8 3 यहाँ तक कोई डाउट कोई दिक्कत कोई समस्या है तो बताओ, ठीक है चलिए। अच्छा जी उसके बाद 48 से भी हो जाता वैसे, 12 से नहीं, हाँ हाँ मगर 12 से नहीं हो पाएगा क्योंकि 8 से डिवाइड नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, ए एक दिन में 4 पेंसिल बना रहा है, टोटल वर्क 1 डे वर्क, ठीक है, बी का 3। अब यहाँ पर ये 24 जो है, अब इस हाँ अब 24 जो है, 24 जो है अब क्या करेंगे, 24 को देखो सुनो, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि भाई हम 24 जो वर्क है उसको कराने के लिए, मगर यहाँ पर देखो ये 7 जो हो रहा है ये तो टोटल वर्क हो गया, नॉर्मल जब हम अगर आवर नहीं होते तो ऐसी कहानी करते थे, बट आवर दे रखा है हमें तो उसको क्या करेंगे कि हम आवर से मल्टीप्लाई, मतलब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों, एक तो देखो या तो हम इसे करते डेज को भाई कि 6 × 7 और 8 × 7 तो हमें पता लग जाता कि इतने घंटे काम हुए आवर के हिसाब से, फिर एलसीएम लेकर सॉल्व करते तो इसकी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ती, बात समझ में आ गई। अब हमने क्या कर दिया, इसको आवर में बना दिया डेज की जगह कि इतने घंटे काम हो गए, बट वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि दोनों मिलकर 8 घंटे कर रहे हैं, है ना, कह रहा है इन व्हाट टाइम वुड दे कंप्लीट, मतलब 8 घंटे अगर वो करते तो कितने दिन में काम खत्म होता, तो कोई बात नहीं मैं 8 से डिवाइड मार देता हूँ फिर, ठीक है। अब समझ में आ गई बात, ऊपर वही आवर हो गया वर्क, वर्क की फॉर्म में, और नीचे ये तो ऐड करके निकाला जो वो है 7, ये वाला 7 वो है, 7 से निकाला 8 से 24, यानी कितना हो गया 3 डेज, सॉरी आवर कह रहा हूँ, 3 डेज, 3 डेज आएगा, डे डे, हाँ तो डे डे डे, और टाइम भी तो डे ही है, मतलब डे भी तो टाइम है, ये कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। मैंने क्या करा, इसको आवर में भी कन्वर्ट कर लिया, इसको भी आवर में कन्वर्ट कर लिया, ठीक। यहाँ तक कोई डाउट कोई दिक्कत कोई समस्या तो बताएं, ठीक है, नोट करें अगला। देखो अगर मैं आवर में करता तो 6 × 7 कितना जाएंगे, 7 × 42, मतलब ए किसी काम को अगर हम आवर में कन्वर्ट करेंगे तो 42 आ गया, बी कितना आ जाएगा बेटा 8, हाँ 56, एलसीएम लो जी, नहीं नहीं वो मैंने अब आवर में कन्वर्ट कर दिया, अभी इसे छोड़ दो उसे भूल जाओ, अब इसका एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम ले लेना वैसे इसका 168 एलसीएम आएगा करीब, मतलब ऐसे करके ले लो एलसीएम 56 करके, ठीक है ऐसे एलसीएम ले लो आ जाएगा एलसीएम, ठीक है। अब इसे डिवाइड मारोगे 6 × 7 = 3 × 6 = 18, ठीक है, 168 / 7
अब 1 आवर पर डे कर रहा है तो 8 से डिवाइड मार दो, क्योंकि भाई ये पूरा आवर में था बट ये 7 तो वर्क हो गया, और ये कह रहा है कि 8 घंटे काम हो रहा है, मतलब 7 × 8 ही तो होगा ये पर। हाँ आपकी बात समझ में आई, मतलब आप कह रहे हैं कि एक का जैसे आवर दे दिया 7 घंटे, बी का भी 8 घंटे, ठीक है, नहीं बी जैसे ए का भी दे दिया, बी का भी दे दिया, फिर एक कंडीशन और दे दिया ए प्लस बी, मतलब ये ऐसे कह रहे हैं ए का दे दिया 7 घंटे, बी का दे दिया 8 घंटे, फिर जो ये वाली कहानी ना, ये वाली तो डिवाइड ही मारेंगे उस आवर से, क्योंकि हम क्या करेंगे फाइनली जो है वो दोनों मिलके 8 घंटे कर रहे हैं, ये तो अलग अलग 7 घंटे करवाया मैंने, अलग अलग कर रहे हैं ना आवर पर आवर के हिसाब से, तो ये पर आवर के हिसाब से वर्क आया हमारा, 1 घंटे में 4 पेंसिल, 1 घंटे में 3 पेंसिल, तो करेंगे कितनी काम 8 घंटे, तो 728 तो करेंगे। हाँ तो नहीं तो एलसीएम देखना पड़ेगा ना कितना आएगा, जो 1 डे वर्क आएगा वो कितना आएगा वो देखना पड़ेगा ना, ये 7 ये है इसकी कहानी तो खत्म ही हो गई, कहाँ गई इसकी कहानी, खत्म कर दी मैंने। हाँ तो 7, हाँ तो दोनों को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया ना, क्योंकि दोनों 7 घंटे काम कर रहे हैं एक दिन में, दोनों 7 घंटे एक दिन में काम कर रहे हैं, अगर यहाँ पर दोनों एक दिन में 6 घंटे काम कर रहे होते तो 6 से मल्टीप्लाई करते, या ये 7 से कर रहा है 6 से कर रहा है तो 7 से 6 से, ऑब्वियसली बात है, सिंपल सा लॉजिक है, मैं समझ गया आपकी बात। अगर मान लो ऐसे दे रखा हुआ क्वेश्चन में कि ए किसी काम को 7 दिन में करता है और 8 घंटे काम करता है, बी किसी काम को 5 दिन में करता है 2 घंटे काम करता है, तो फिर अलग अलग करेंगे, अलग अलग मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम लेंगे, फिर फाइनली जो है कि अब दोनों मिलकर 8 घंटे कर रहे हैं तब 8 से 1.5 मारें। हाँ जी 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 ठीक है, काट दो इसको, यह आ जाएगा, सॉरी 8 दिन 16 और 8 एकम 8 यानी 21 3 7 21 आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत कोई डाउट कोई समस्या है तो बताएं। चलिए देखिए, अब जो ये नीचे वाला क्वेश्चन है बहुत ईजी है, ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है भाई। एक्स क्या रहा है, एक्स कैन फिनिश अ सेम वर्क इन 4 आवर, किसी काम को 4 घंटे में करता है। वाई कैन फिनिश द वर्क इन 8 आवर, कोई दिक्कत नहीं। एलसीएम कितना आ गया आपका, 8 ही ले लो, है ना, 4 × 2 = 8, 4 × 8 = 8, ठीक है। अब ये हाँ 8 तो नीचे 3, अब देखो ध्यान, ये किस में, ये आवर में आया, तो मिनट में करने के लिए आंसर, इतने दिन में काम, इतने देर में काम हो जाएगा, कोई दिक्कत, ठीक है। किसी भी कोई दिक्कत है कोई समस्या तो प्लीज़ वीडियो करें, कमेंट जरूर करें, और चैनल के साथ बने रहें, ग्रुप डी के जितने भी क्वेश्चन हैं सारे आपको यहाँ पर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो हैं आपको सब मिलेंगे यहाँ पर, ठीक है।